सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग ऑफ अंकल राइडर सर। आज हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने लास्ट व्लॉग में एंड में बता दिया था, हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ से भाई हर किसी की पीढ़ी का जो स्टार्ट है भाई वहीं से हुआ है, क्योंकि स्वयं महादेव सबसे पहले भाई वहीं पे आए थे। तो हम लोग जा रहे हैं भाई बनारस के लिए। तो लेकिन भाई आज एक ऐसी चीज़ जो रखी है ना यहाँ पे भाई ग्रेटर नोएडा में, भाई इतनी तगड़ी ठंड पड़ रखी है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हिल स्टेशनों को भी ना फेल कर दिया हमारे ग्रेटर नोएडा ने। इतनी ठंड भाई, मतलब बिल्कुल अनबियरेबल हो रखी है इस टाइम पे। तो हाथ में मैंने ये पहन रखा है, तो मैं दिखाता हूँ भाई कि सबसे ठंड कहाँ पड़ रही है। सर ये देखो ग्रेटर नोएडा में हो रखा है 5, नोएडा में 5, न्यू दिल्ली में 5, मनाली में -3, मेरठ में 4, बाकी अब देखो मसूरी में 10, देहरादून में 9। भाई मतलब ना हिल स्टेशनों से ज़्यादा ठंड हो रखा है इस टाइम पे हमारे। साथ ही साथ ना हमारी भाई ट्रेन जो है उठ चुकी है ना, वैसे तो 6 बजे का उसका टाइमिंग था, लेकिन भाई वो 3 घंटे लेट हो चुकी है, क्योंकि भाई कोहरा वोरा बहुत पड़ रहा है। मेरे को रात को ही भाई पता चल चुका था कि ऑलमोस्ट लेट हो जाएगी, लेकिन फिर भी तैयार हो गए थे अराउंड 3:30 के आसपास कैब बुक करने का ही बस वेट कर रहे थे। लेकिन इतने देखा भाई एक मैसेज आ रखा है जिसमें लिखा था भाई ट्रेन 3 घंटे लेट है। तो यार हम वेट कर रहे हैं, अराउंड 9 बजे के आसपास निकलेगी वो, तो बस वेट कर रहे हैं, अपना काम वाम निपटाते हैं और थोड़ा ब्लॉग शूट करते हैं। सो हमारे साथ जो भाई जो लॉल कटा है ना, वो कटा है इस लड़की के चक्कर में। इस लड़की ने 6 बजे की टिकट बुक करने की जगह 9 बजे की टिकट बुक कर दी है। ऐसा क्यों करा भाई तूने? पागल हो गए तुम? क्यों? ट्रेन लेट हो गई। सर इसने कही थी भाई वंदे भारत बुक, और मेरे को कल रात ही एक बंदे ने बता दिया था कि यार ट्रेन ऑलमोस्ट लेट चल रहे हैं। तो 3 घंटे लेट हो गए, हम लोग तैयार होकर बैठ गए। और जो रेलवे वाले ना भाई, इन्होंने भी भाई ऐसा कांड करा ना कि इन्होंने ना हमारे को भेजा मैसेज 2:36 पे। कौन आदमी है 2:36 पर उठ के मैसेज पढ़ेगा और उसके बाद भाई स्टेटस चेक करेगा। बाकी अब है 6 बजे या 9 बजे ट्रेन, तो 3 घंटे भाई अपने काम वगैरह निपटा देते हैं और उसके बाद भाई निकलेंगे। आज दिखाएंगे भाई वंदे भारत में कैसी सर्विस मिलती है। आज बंदा रेडी है बिल्कुल बनारस जाने के लिए, बिल्कुल सूट के से बैठ गया, कह रहा भाई मैं कहीं नहीं छूटने वाला। चलो ये ऐसी जाएगा, बहुत ठंड हो रही। तो यार हम लोग आ चुके हैं भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आज जो कैब वाला भी मिला ना हमारे को, कैब वाले भाई ऐसा था, मतलब इतनी गाड़ी ऐसी भगाते हुए लेके आया था ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं किस बात की जल्दी है उसको। हमारे को समझ में नहीं आया कि किस बात की जल्दी थी। बाकी हमारी ट्रेन 2 घंटे और लेट हो चुकी है, पहले 9 थी अब हो चुकी 10:45 है। तो बाकी देव भर क्या होता है, अभी हम लोग हल्दीराम पे आए हुए, खाना वाना खा के इसने अपना नाच शुरू कर रखा भाई, ड्रामे मचा रखे अंदर बहुत ज़्यादा। आपने जैसे क्लिप्स देखी होंगी ना, ऐसे बन के रखा था ना छूट के से बैठ के। बाकी भाई छोले भटूरे ऑर्डर करें, छोले भटूरे आते हैं तो उनको इन्जॉय करते हैं। सर ये जा रही ट्रेन फाइनली भाई, वेट ओवर। सर ये जा रही ट्रेन, अब हम जाके बैठते हैं भाई, बहुत टाइम वेट करने के बाद भाई एटलीस्ट आई गई। सो हम लोग यार भाई ट्रेन में आ तो चुके हैं और आती आती इसके साथ हमारा स्वागत हुआ है। बाकी देखते हैं, हाँ पहले पानी की बोतल है, पानी की बोतल आ गई, ये खाने को तो सही दे रहे हैं, लेकिन भाई गंदगी बहुत ज़्यादा है ना, साफ नहीं है यार ये यार। बस यहाँ पे बाबूजी लगे पड़े हैं पिक्चर देखने में। हेलो गाइस,
आज का हमारा जो वंदे भारत का एक्सपीरियंस था ना, बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे देखो टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखाता हूँ, 7:01, अभी प्रयागराज क्रॉस करा इसने। और भाई मज़ेदार सीन हो रखा है, होटल जाके भाई पूरा बताऊँगा कि हिम्मत नहीं है भाई बिल्कुल भी। और बाकी हम लोगों ने ना एक और चीज़ कर दी, अपना जो टिकट था ना भाई आने का वो कैंसिल कर दिया, साथ में बस फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया। बाकी घर पर होटल पहुँचते हैं, आपको बताना भाई पूरी खाने की क्या क्या करा। फाइनली भाई हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, बनारस में एंटर हो चुके हैं। आप लोगों ने पिछली क्लिप्स देखी होंगी जो कि हम स्टेशन से निकले थे। और भाई आज इतना तगड़ा लॉल कटाना हमारा, ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई भाई। और बहुत मतलब मेरे को ना मज़ा नहीं आया, सच्ची बताओ ट्रेन में मज़ा नहीं आया। जैसे आपसे भाई और लोगों ने जैसे वीडियोज़ बना रखी थी ना, मेरे को उस हिसाब से मज़ा नहीं आया। बाकी हाँ ठीक है, अगर टाइम टू टाइम आ जाती वो बहुत होता है, लेकिन भाई वैसे वहाँ हाइजीन के मामले में भाई ट्रेन साफ़ सुथरी नहीं थी, और साथ ही भाई खाना भी कोई इतना खास वास नहीं था। ठीक है, तो बाकी अभी खाना ऑर्डर करें, खाना आ जाता है। हम लोग रुके हैं रमाडा रुके हैं कटेसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा आउटस्कर्ट में पड़ता है, यहाँ पे अराउंड 10 किलोमीटर है स्टेशन से। तो बाकी कल भाई आज के ब्लॉग में तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मैंने ऐसा कुछ, लेकिन भाई अब से जो अब जो ब्लॉग्स आएंगे ना वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, वो भाई होंगे और मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के और बाकी बनारस की अच्छी अच्छी जगह होगी। तो बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी कोई खाना आता है खाना खाएंगे उसके बाद ब्लॉग पॉइंट करेंगे। सो यार भाई ऑर्डर गया था, ऑर्डर मात्र 10 मिनट के अंदर आ गया, फ्रेश फ्रेश भी हो गया, क्योंकि तो पूरे दिन ट्रेन में रहने का ना बहुत बुरा हाल हो गया था। बस यार खाना वाना खाते हैं अपना और बाकी ब्लॉग्स भाई डेली आएंगे, तो अभी बस खाना वाना खाते हैं उसके बाद भाई ब्लॉग पॉइंट करते हैं। सर कल भाई खाना खाने के बाद ना भाई पता नहीं चला भाई कहाँ गए, लेकिन भाई अब सोचते ब्लॉग का एंड में करना था भाई। मैं दिखाता हूँ भाई बनारस में कैसा हाल हो रखा है इस टाइम पे, भाई इतना तगड़ा हो रखा है ना, कोरा ही कोरा चारों तरफ, कोरा ही कोरा। इसको देख के तो बस ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ना फॉगी फॉग चल रहा है। तो भाई की इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो, और भाई अब जो आएंगे वो आएंगे भाई मेन बनारस के ब्लॉग, ये तो ट्रैवल ब्लॉग था कि पहुंच गए हम लोग, भाई मेन बनारस के ब्लॉग आएंगे। तो चैनल में बने रहो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो और भाई जिंदगी में तो भाई मचाते रहो। बाय, हर हर महादेव।